हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये झारखंड में जो एक केस हुआ है ना, जहाँ पे अंकिता सिंह जी को पूरा जिंदा जला दिया था, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते थे कि ये अंकिता जी के साथ हुआ क्या था। देखिए, अंकिता जी के साथ मतलब अंकिता जी और एक बंदा था शाहरुख, शायद उनका कुछ रिलेशन था। तो उसके वजह से क्या हुआ कि और रिलेशन मतलब कुछ दिनों से शायद था, और उसके बाद जब अंकिता सिंह जी को वो रिलेशन में उतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ, तो तब उन्होंने इनका जो जो भी है, आप लवर बोल लीजिए या स्टॉकर बोल लीजिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे देखिएगा, ये बहुत सारे लोग इसको कम्युनल एंगल भी देने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इवन इसको लव जिहाद भी बोलता है। तो देखिए, जो भी है, तो इनका जो स्टॉकर था या जो भी है, जैसे मैंने बोला शाहरुख था, तो उन्होंने क्या किया, अंकिता जी को पूरा पेट्रोल डाल दिया था, पेट्रोल डाल के वो जिंदा जला दिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंकिता जी का क्या सिचुएशन है। वो सच में ये देखना बहुत ही पेनफुल है। तो अब उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। जब ये पेट्रोल डाल दिया था ना, उसके बाद ये देखिए, अब जब यहाँ पे आएंगे, जब झारखंड हाई कोर्ट ने ये कुछ मतलब केस किया ना, तब एक्चुअली पुलिस से उतना कुछ हेल्प नहीं मिल रहा था। नहीं तो मतलब फर्स्ट में वो शाहरुख को अरेस्ट नहीं किया गया था, तो जिसके कारण ये जो झारखंड हाई कोर्ट है ना, वहाँ पे ये केस चला गया। और यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो फियर है ना, वो अब क्रिमिनल्स के अंदर नहीं है। यही चीज़ इन्होंने बोला। और एक यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ये बोला है कि जो ये जो लोकल जो डीएसपी था ना, नूर मुस्तफ़ा, इन्होंने क्या किया है, ये जो शाहरुख हुसैन था ना, जो अंकिता को जिंदा जला दिया था, उन्होंने इसको बोल दिया था मेंटल पेशेंट। अब हाई कोर्ट ने ये ना पूरा डायरेक्ट क्रिटिसाइज कर दिया है। अब आपको नहीं पता ये डीएसपी नूर हुसैन है कौन। डीएसपी नूर हुसैन आपको यहाँ पे नहीं, आई थिंक अच्छा मैं आपको दिखा और एक आर्टिकल है। हाँ, ये है डीएसपी नूर हुसैन, आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने ये सब काम किया है। एक्चुअली ये सब काम इसलिए किया है क्योंकि देखिए, अंकिता जी का जो बाद में उनका जो जब एज आया है ना, वो 15 या 16 आया था, मतलब वो अभी भी टीनेजर थी। तो टीनेजर रहने से क्या होता है कि आपका पॉस्को एक्ट लग जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए टीनेजर एक्ट मतलब टीनेजर आप नहीं हैं, तो आपका ऊपर वो पॉस्को एक्ट नहीं लगता है, तो जिसके कारण आपका जो सज़ा है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब आपका एज थोड़ा नीचे होता है ना, तो आपके मतलब ये जो शाहरुख को थोड़ा स्ट्रिंजेंट सज़ा मिलेगा। तो इसके वजह से ये सब, और इन्होंने और भी कुछ घटिया घटिया काम किया है, जिसके कारण इनको तो अभी जो आई थिंक ये जेल में है। मतलब ये जो पूरा चीज़ है ना, इस पूरा चीज़ों को इन्होंने मैनिपुलेशन करने की कोशिश किया है। इवन यहाँ पे भी आर्टिकल देख सकते हैं, जहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जो पुलिस है था ना, वो क्लियरली इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है। अब देखिए, ये तो पूरा मतलब अंकिता जी और उनका जो लवर था या स्टॉकर था उनके, उसके बाद उनकी रेसिपी जो नूर मुस्तफ़ा था उनके ऊपर था। लेकिन एक वहाँ पे जो आपको पता होगा, झारखंड में हेमंत सोरेन का गवर्नमेंट है, और हेमंत सोरेन का भाई है ये, आई थिंक इनका नाम है बसंत सोरेन। तो इन्होंने बोल दिया कि ये लव अफेयर है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लव अफेयर है कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है नहीं। मान लीजिए आपसे कोई बात करना नहीं चाहता है और आपसे कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता है, क्या आप उसको क्या जिंदा जला देंगे आप पेट्रोल डाल के? ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सब चीज़ें जब आप बोलते हैं ना, तो मतलब सच में, तो फिर वो लोगों को समझ में आता है कि हमने इन लोगों को भेजा है वोट दे के, या हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। अब हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसा कुछ गलत बयानी दे देता है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। और प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये देखिए, ये है शाहरुख, मतलब जिन्होंने जला दिया था। अब इनका एटीट्यूड देखिए, ये कहीं से भी लग रहा है कि ये मेंटली इल पेशेंट है, कुछ नहीं है।
और ये मतलब पूरा आराम से रह रहा है, मतलब इनको पता है शायद कि लॉ एंड ऑर्डर में उतना प्रॉब्लम इनका होगा नहीं, तो जिसके कारण कोई शर्म नहीं है, बेशर्म की तरह जा रहा है। उसके बाद आप देखिए, सिर्फ शाहरुख इसमें इन्वॉल्व नहीं था, और एक था ये शाहरुख हुसैन के साथ, इनका मुझे नाम नहीं पता। हाँ ये सॉरी, नीम खान, सॉरी नाइन खान होगा, तो इनका भी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्चुअली बीजेपी तो ये बोल रहा है यहाँ पे, सच में ये दोनों, ये जो शाहरुख और ये जो नाइन खान है ना, ये बांग्लादेशी है। तो मेरे ऊपर मतलब मेरे पास उतना कुछ एविडेंस है नहीं कि ये बांग्लादेशी है कि ये इंडियंस है, उतना मुझे नहीं पता। तो प्रॉब्लम है कि ये सब सीरीज हो जाने के बाद, देखिए ये तो सीरीज हुआ है, मतलब ये जो पूरा मैंने आपको बोला है कि क्या क्या झारखंड में ये हुआ है, उसके बाद आपको क्लियरली दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से या पॉलिटिकल एंगल से, इवन हेमंत सरकार का जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने ये केस को दबाने की कोशिश किया है। अब इससे क्या होता है, जो अब सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। देखिए ये अरुण बोथरा, ये आई थिंक उड़ीसा का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये देखिए, सो डिप्रेसिंग शो योर यंग गर्ल डाइंग फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर एंड किलर सीमलेसली ग्रीनिंग ऑन कैमरा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो मरा है, मतलब अंकिता सिंह, देख अंकिता सिंह का कोई मतलब फॉल्ट ही नहीं था। क्यों फॉल्ट नहीं था? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं किसी के साथ रिलेशन में रहूंगा या ना रहूंगा वो कंप्लीटली मेरे ऊपर है, मतलब मान लीजिए मैं ना बोल दिया तो मतलब ना ही है वो, हाँ नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए, अब मैं मान लीजिए मैं अब किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूंगा तो उसका मतलब क्या है? हाँ मैं किसी को उनको अब्यूज कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे बातों में तो हो जाता है, लेकिन मैं क्या उसको जाके मार दूंगा, और वो भी ऐसे पेट्रोल जला के? और उसके बाद ठीक है, आप मार दिया तो आप अपने आपने गलती किया है, आप उस गलती को मानिए, ये कुछ शर्म की बात नहीं है, आपने कुछ गलती किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो किया है तो ये तो मतलब माफी के काबिल नहीं है, फिर भी आपने गलती किया है तो उसको मारिए। लेकिन उसके बाद आप देखिए ये ग्रीनिंग, सेमलेसली ग्रीनिंग एम कैमरा, मतलब आपने क्या किया है, आपने कुछ क्या महान काम किया है? उसके बाद ये देखिए, व्हाट इज द ऑब्सेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज नेम ऑफ कम्युनल हार्मनी, मतलब ये क्या हुआ है? पहले ये इंडिया टुडे ने ये किया काम किया था, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये नौटंकी, उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया था। शाहरुख की जगह पे ना उनका जो नाम था ना वो अभिषेक डाल दिया था, उसके वजह से क्या हुआ कि बहुत जगह बोला है कि कम्युनल मतलब हार्मोनी डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब डिसहार्मोनी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। आप देखिए हर किसी के पास कैमरा मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, मतलब आप ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है ना, आप उसको ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। और इसके कारण क्या हुआ, आप कम्युनल हार्मोनी को बैलेंस रखने के लिए क्या करेंगे, ये चीज क्या होता है, बैकफायर कर जाता है, और जिसके कारण ये क्या होता है कि आप मतलब लोगों का बहुत जो विश्वास था ना वो लॉ एंड ऑर्डर से उठ जाएगा, और ये आप देख लीजिए ये लॉन्ग टर्म में सीरियसली ये डैमेजिंग है। तो इनका जो ये ट्वीट है ना, इससे भी बहुत सारा चीज हम लोगों को सीख मिलता है। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।